From the time we are born, we make friends, whether in school, college, trips, etc., etc. We are human beings. We are going to make friends. Whenever we have an opportunity, we are going to make friends. However, some friendships are going to last for long and some just fade away. Edna Buchanan has said that friends are the family that we choose for ourselves. Interesting fact is that you can have as many friends as you want in your life, and your friendship with all your friends is not going to be same. Everyone, this is Megha Gupta. Welcome to my channel English Life. I hope you all are doing well. This video is about type of friends that we all have in our lives. ये वो friends होते हैं जिनसे basic like एक आध गपशप, basic hi hello के अलावा कोई बात नहीं होती. इनसे चाहे आप साल के first day पे बात करो या 3 साल के बाद बात करो, आपकी बातचीत सेम ही होगी. Like hi hello, how are you doing? कैसे चल रही है job? कैसा चल रहा है स्टडीज? इसके अलावा कोई बात नहीं होगी आपकी इनसे. ये फ्रेंडशिप्स होती हैं बस स्टॉप्स पे. लाइक सपोज अगर आप किसी जगह पर सेम बस या सेम मेट्रो बोर्ड करके जाते हैं, तब आपकी ये फ्रेंडशिप हो सकती है, बिकॉज रोजाना आप किसी से मिलते हैं. भले ही आप लोग सेम वर्क प्लेस पे काम नहीं करते, यू आर जस्ट लाइक ट्रैवलिंग टुगेदर. दूसरा होते हैं लाइक स्कूल में होती थी यार, वाटर पॉइंट्स पे बहुत होती थी फ्रेंडशिप्स. वाटर पॉइंट्स पे क्या होता था, आप सेम टाइम पे पानी पीने जाते थे. कभी कोई दूसरे सेक्शन का, कभी सीनियर, कभी कोई जूनियर मिल गया, उससे बातचीत हो गई. हाय हेलो से ज्यादा बढ़ती नहीं थी बात, बस रोज मिलते थे वाटर पॉइंट पे. लाइक मेरी तो बहुत होती थी वाटर पॉइंट्स वाली फ्रेंडशिप. तीसरी होती है ये वॉशरूम्स में. यार लड़कियों की तो बहुत होती है. लाइक मैंने स्कूल में भी देखा है, कॉलेज में भी देखा, स्पेशली ऑफिस में. ऐसा कभी कभी लगता है यार, क्या सेम टाइम पे दोनों का मतलब जो टाइमिंग है इतनी कैसे मैच कर सकती है कि जिस टाइम पे मुझे वॉशरूम पहुंचना होता है वो भी वहां पे पहुंच जाती है. आई मीन लड़कियों की होती है, आई डोंट नो अबाउट गाइस. मैं आज तक लड़कों के वॉशरूम में नहीं गई हूँ. नहीं, एक्चुअली गई हूँ 2 बार गलती से. बट इफ यू विल इवन ट्राई टू लाइक स्टीयर और टर्न दिस बेसिक हाई हेलो फ्रेंडशिप इनटू समथिंग मीनिंगफुल, दिस जस्ट फिजल्स आउट मोस्ट ऑफ द टाइम. लाइक आई नेवर एक्सपीरियंस की कभी मैंने अगर ट्राई भी किया, इट हैज नेवर वर्कड आउट इन माई फेवर. लाइक इट हैज ऑलवेज फिजल आउट. तब लगता है यार बेसिक हाई हेलो ही ठीक थी. ये वाली फ्रेंडशिप होती है जब आपके बीच एक कॉमन दर्द होता है, आपका कोई कॉमन दर्द होता है, और वो दर्द अक्सर होता है एक सड़ू बॉस और उस बॉस के सड़ू चमचे. ये जो फ्रेंडशिप होती है ना, ये थोड़ा बहुत बस दिल का दर्द हल्का कर देती है. जैसे आप किसी बॉस के बारे में कुछ भी गॉसिप करना चाहते हो, आप उनके पास जाके कर लेते हो, और ये फ्रेंडशिप फेड आउट हो जाती है जैसे ही वो कॉमन टॉपिक आपके बीच में से चला जाता है. बिकॉज दीज फ्रेंडशिप आर बेस्ड जस्ट ऑन गॉसिप, राइट? जब गॉसिप का टॉपिक चला गया तो जनरली ये फ्रेंडशिप्स भी चली जाती है. कई बार ये कंटिन्यू होती है, लेकिन गॉसिप का टॉपिक चेंज होता है, लेकिन इंटेंशन हमेशा हमेशा गॉसिप करने की होती है. If you're someone who likes to party a lot, who likes to go on trips a lot, तो आपके ऐसे फ्रेंड्स जरूर होंगे. बिकॉज ये वो बडीज होते हैं जिनके साथ आपकी ट्रिप्स पे जाने की, आपकी हैंग आउट करने की जो वेवलेंथ होती है ना, वो मैच करती है. बहुत बार ऐसा होता है, हमारे बहुत खास फ्रेंड्स भी जो लाइफ में होते हैं, उनका नेचर इस एरिया में आपसे मैच नहीं करता, और कई बार क्वेश्चन पॉकेट का भी हो जाता है. तो उस टाइम पे काम आते हैं ये हैंग आउट बडीज, बिकॉज इन लोगों के साथ आपको पार्टी करना, सिर्फ पार्टी करना, ट्रिप्स में जाना बहुत पसंद है. इनसे और ज्यादा कुछ नहीं होता फ्रेंडशिप में. सिर्फ आपकी जो फ्रेंडशिप होती है ना, वो सिर्फ जब तक आप हैंग आउट कर रहे हो, जब तक आप ट्रिप्स पे जा रहे हो, वहीं तक लिमिट रहती है. उसके बाद आपको, आप लोग जनरली एक दूसरे को याद नहीं करते. बट हाँ, जैसी पार्टी का प्लान बनता है, यही लोग याद आते हैं. ये वो फ्रेंड्स होते हैं जिनके साथ आपकी सच्ची वाली बॉन्डिंग होती है, ट्रू बॉन्डिंग होती है, दिल से जो बॉन्डिंग होती है, ये वो फ्रेंड्स होते हैं. ऐसा आपकी लाइफ में एक भी हो सकता है, और एक से ज्यादा भी फ्रेंड्स हो सकते हैं, पर ये बहुत खास फ्रेंड्स होते हैं जिनके साथ आप अपने मन की हर बात बिना किसी फिल्टर के, बिना किसी डर के, बिना झिझक के, बिना ये सोचे कि वो मुझे जज करेगा या करेगी, आप शेयर कर सकते हो. अगर आपकी लाइफ में ऐसा एक भी फ्रेंड है, तो एक तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, और बाकी कोई और टाइप्स हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज ये पर्सन आपके लिए बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम होता है. और ऐसा सपोर्ट सिस्टम होने की वजह से, ट्रस्ट मी, आपकी जो प्रॉब्लम्स होती है लाइफ की, वो ऑलरेडी आधी हो जाती है. बिकॉज जब आपको पता होता है ना कि आपकी लाइफ में कोई है जिससे आप जाकर अपने मन की सारी बात कर सकते हो, इट्स लाइक अमेजिंग थिंग. मतलब मुझे नहीं लगता इससे ऊपर कोई चीज हो सकती है लाइक फ्रेंडशिप में. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ मतलब उनको अपना सपोर्ट सिस्टम बनाना है, आपको भी उनके लिए हमेशा अवेलेबल रहना चाहिए जैसे वो आपके लिए है.
जैसे कहते हैं ना, ताली एक हाथ से नहीं बजती, तो ऐसे रिलेशनशिप ना कभी ऐसे नहीं होता, रिलेशनशिप हमेशा ऐसे होता है। तो आपको भी मेक श्योर करना है कि आप भी उनका सपोर्ट सिस्टम बने, आप भी उनके लिए वो बेस्ट फ्रेंड, वो खास फ्रेंड बने, बिकॉज तभी आपकी जो फ्रेंडशिप होगी वो बहुत स्ट्रांग होगी और आप हमेशा बहुत अच्छा फील करोगे कि यस आई हैव समवन इन माय लाइफ एंड दैट्स कॉल्ड ट्रू फ्रेंडशिप। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट प्लीज 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट संडे। ओके, अब आप पूछोगे संडे को वीडियो क्यों आता है और संडे को ही क्यों है, बिकॉज हमारा जो इंग्लिश स्कूल है ना वो सिर्फ संडे को लगता है। ओके, सो आई विल सी यू नेक्स्ट संडे। सो टेक केयर, बाय।